अस्सलाम वालेकुम, इट्स राहिला हियर। अभी तक जो हम डिस्कस करते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के छोटे बेसिक टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर वन पे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल वेल सम आर अनस्टेबल। दिस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ज़्यादातर इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो अनस्टेबल हैं और बहुत कम तादाद में जो हैं वो स्टेबल हैं। अब किसी भी एटम की अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो वो किस बेस पे देखेंगे? उसके न्यूक्लियस के बेस पे देखेंगे। अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तो इट्स मीन पूरा का पूरा एटम स्टेबल है, और अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो यानी एटम अनस्टेबल है, क्योंकि न्यूक्लियस की ही बेस पे हम लोग स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी देखते हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं? नंबर वन पे इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कितनी तादाद मौजूद है, वो इवन नंबर में मौजूद हैं या ऑड नंबर में मौजूद हैं, और वो कैसे अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। उसके बाद न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो N/P, ये हम ज़्यादातर रेडियो एक्टिविटी केस में देखते हैं। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये भी हम रेडियो एक्टिविटी में देखेंगे। न्यूक्लियर शेल मॉडल मैजिक नंबर्स। नंबर वन पे है इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी तक तकरीबन 900 न्यूक्लाइड्स डिस्कवर हो चुके हैं जिसमें से ओनली 272 आर स्टेबल, बाकी सारे के सारे क्या हैं? अनस्टेबल हैं। और ये जो 272 न्यूक्लाइड्स हैं एक चार क्लासेस में कैटेगराइज्ड है। नंबर वन पे इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन्स। जब प्रोटॉन भी इवन होंगे और न्यूट्रॉन्स भी इवन होंगे तो कितने जो इस कैटेगरी में कितने स्टेबल न्यूक्लाइड्स आते हैं या आइसोटॉप्स आते हैं? 160। अगर इसमें हम एग्जांपल देखें हीलियम की, तो हीलियम के पास क्या है? मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो वो क्या है? 2 है, तो यानी इवन है। 4 - 2, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो वो क्या है? 2, तो वो भी क्या है? इवन है। तो इसी तरह के बाकी ये जितने भी एटम्स मौजूद हैं, अगर आप इनका इसी तरह आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है? इवन प्रोटॉन इवन हो लेकिन न्यूट्रॉन ऑड हो। अब जैसे कि इन्होंने ऑक्सीजन के एक आइसोटॉप दिया हुआ है 17, 8। अब 8 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इवन। 17 - 8 अगर हम करें तो 9 आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड ऑड है। तो इसमें जो जिसमें प्रोटॉन्स इवन है और न्यूट्रॉन्स ऑड है, इसमें कितने हैं? तकरीबन 56 मौजूद है, 56 स्टेबल न्यूक्लाइड्स आइसोटॉप मौजूद है। इस तरह अगर हम अगली कैटेगरी देखें तो इसमें क्या है? प्रोटॉन जो है वो ऑड हों और न्यूट्रॉन्स हों वो इवन हों। अब इसमें अगर एग्जांपल देखें हम लिथियम की, तो 3 क्या है? प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो क्या? ऑड है। और 7 - 3 क्या है? 4, तो 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो जो कि इवन है। इसमें कितने इस कैटेगरी में कितने स्टेबल न्यूक्लाइड्स आ रहे हैं? 52। तो अगर आपने देखा होगा कि इवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या ऑड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन, दोनों में जो नंबर है तकरीबन वो आसपास है, 56 और 52, इन दोनों में इतना कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट कैटेगरी देखें ऑड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों के दोनों ऑड हों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड हों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड हों, तो क्या होगा? इसमें कितने अवेलेबल हैं, कितने मौजूद हैं अभी तक स्टेबल न्यूक्लाइड? ओनली 4। तो यानी हाईएस्ट जो परसेंटेज है, जो स्टेबिलिटी जो है न्यूक्लाइड जो स्टेबल हैं, वो किस रेशियो में है? इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन में, 160। और इवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ऑड प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन दोनों में क्या है कि जो न्यूक्लाइड्स हैं वो इक्वल है। और सबसे लोवेस्ट कितने हैं, कौन से वाले में है? ऑड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अगर हम लाइटर एलिमेंट की बात करें या हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन क्या है? इसका मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, 1 - 1 = 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम इनके अलावा की अगर बात करें, इनसे थोड़ा हैवियर हायर एलिमेंट्स की बात करें, तो उनमें हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को डिस्कस करते हैं। N/P वैल्यू स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए 1 होती है। अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाए या 1 से कम हो तो वो न्यूक्लियाई जो वो स्टेबल कंसिडर नहीं होगा, ठीक। और वैल्यू ऑफ N/P रेशियो फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लाइड्स अब टू कैल्शियम इज इक्वल टू 1। कैल्शियम तक यानी एटॉमिक नंबर 20 तक जितने भी न्यूक्लाइड्स आ रहे हैं वो तकरीबन स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 है। हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो में एक चार्ट पढ़ते हैं जिसका हम कहते हैं सर्ज चार्ट।
अब इसमें देखें, y एक्सिस में हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिया हुआ है और x एक्सिस में हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिया हुआ है। अब ये जो ब्लू जो एरिया है ये किसको शो कर रहा है, नॉन रेडियोएक्टिव यानी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, और बाकी ये जो ग्रीन है ये ग्रीन सारा का सारा किसको शो कर रहा है, रेडियोएक्टिव को। और ये जो लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब हम अगर देखें, अगर ये जो ब्लू जो लाइन है इसको हम बोलते हैं बेल्ट या जोन। अगर कोई भी एटम उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर इस बेल्ट में लाई कर रही है तो हम कहेंगे वो स्टेबल है, लेकिन अगर इस बेल्ट से ऊपर या इस बेल्ट से नीचे की तरफ लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, अनस्टेबल है। फिर वो क्या है, वो अनस्टेबल है, तो यानी वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बन जाएगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा कि डिसइंटीग्रेट करेगा और फिर रेडिएशंस एमिट करके दोबारा से वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अगर अनस्टेबल हैं तो वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। ये सर्च चार्ट था, ठीक है, जिसमें ब्लू लाइन जो है वो शो कर रही है जोन को या बेल्ट को। इसका इसकी अगर किसी भी आइटम की एन टू पी रेशियो जो है अगर वो इस बेल्ट से हाई या लो आ जाए तो वो अनस्टेबल कंसिडर होगा। अब केसेस आ गए हैं एन टू पी रेशियो के। न्यूक्लियाई लाइंग अबव द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, हमने बेल्ट पढ़ा था, जो ब्लू लाइन इंडिकेटेड, ब्लू लाइन जो थी वो इंडिकेट करी थी, उसको बेल्ट या जोन कहते हैं। अगर कोई न्यूक्लियाई जो है उस बेल्ट से अबव लाई कर रहा है तो फिर क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिए हैं, अबव लाई करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है उसमें रिचर यानी ज़्यादा, हैंस दे इन डिसइंटीग्रेट इन सच अ मैनर दैट वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन्स, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा है तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स में तब्दील हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स जब प्रोटॉन में तब्दील हो जाएंगे तो हमारे पास क्या, कौन सी रेडिएशन एमिट होगी, बीटा, बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट होगा। और जो हमारे पास अभी जो डॉटर न्यूक्लियाइड जो बना है उसकी लोअर एन बाई पी होगी, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि एन टू पी रेशियो जो है वो नियरली इक्वल टू वन होनी चाहिए। अगर वो इक्वल टू वन है तो क्या है कि स्टेबल न्यूक्लियाई है, अगर वो वन से ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब जैसे मैं इसे एग्जाम्पल देखें, सोडियम है, उसने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दरअसल बीटा पार्टिकल है, तो उसने बीटा पार्टिकल को लूज़ किया है और सोडियम से मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया। अब सोडियम में अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें रिएक्शन की, तो इसमें क्या है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 13 है, 24 - 11 न्यूट्रॉन 13 है, तो 11 प्रोटॉन प्लस 13 न्यूट्रॉन, अगर मतलब अगर हम की रेशियो निकालें एन टू पी रेशियो तो कितनी आती है, 1.18। लेकिन अगर हम इसकी लेफ्ट साइड को देखें तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम के 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 24 - 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है 12। तो अगर हम इसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो देखें तो 12/12 इक्वल टू 1 आती है। तो 1 क्या है, एन टू पी रेशियो 1 जिसकी होगी वो स्टेबल होती है, तो इस वजह से इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्टेबल है और राइट हैंड साइड जो है वो रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल है। अब दूसरा अगर हम इसका केस स्टडी करें तो क्या है, न्यूक्लियाई लाइंग बिलो द जोन ऑफ स्टेबिलिटी, जो कि बेल्ट था, जो कि ब्लू लाइन थी सर्च चार्ट में, अगर कोई भी एटम जो है या कोई भी न्यूक्लाइड उससे बिलो लाई करता है तो उससे क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हैं वो वाई एक्सिस में, जब वो नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, कम है। दीज आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रॉन्स एंड हेंस डिसइंटीग्रेशन सच इन सच अ वे दैट वन ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इज कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन। उसमें क्या हुआ था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें बीटा एमिट हुई थी रेडिएशन, तो अब इसमें उसका ऑपोजिट यानी पॉजिट्रॉन एमिशन होगी, तो इसमें या तो एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन होगी या इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर करेंगे ये लोग। तो जब एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर अगर इसका इस इक्वेशन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसमें क्या है कि 12 प्रोटॉन है और 23 - 12 न्यूट्रॉन है। जब आप इसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो देखते हैं तो वो लेस देन वन है, और लेस देन वन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो किसी की इक्वल टू वन होगी तब वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, 23 - 12 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम इसकी अभी रेशियो देखते हैं टू पी रेशियो तो 1.09 है, तकरीबन 1.09 जो है वो 1 के इक्वल है। एन टू पी रेशियो 1 के इक्वल हो या 1 से थोड़ी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी न्यूक्लियाई जो है इसमें स्टेबल होता है। तो इस वजह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड जो है वो स्टेबल है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अनस्टेबल है। अगर हम नीचे देखें इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में, अब अगर हम देखें तो इसमें इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अगर हम इसकी
रुबीडियम की अगर हम देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो एन टू पी रेशियो जो है वो 1.21 आ रही है, कम है। लेकिन अगर हम क्रिप्टॉन को देखें तो इसकी 1.27। ये जो है ना रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप देखो सिर्फ थोड़ा सा, हालांकि दोनों के दोनों वन से ग्रेटर हैं, तो रुबीडियम को भी जो है वो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, वरना रुबीडियम भी जो है वो स्टेबल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो हम केस पढ़ेंगे, हमने दो केसेस पढ़े हैं, एक इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पढ़े हैं, दूसरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पढ़ा है। अब पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोग्राफ हैज एनेबल्स अस टू डिटरमिन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मास ऑफ गिवन आइसोटॉप। किसी भी आइसोटॉप का जब हमने मास फाइंड आउट करना होता है तो हम स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि आइसोट्रॉपिक मास जो हम स्पेक्ट्रोग्राफ से हम जो डिटरमिन करते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है जो उसका मास नंबर है। यानी आइसोट्रॉपिक मास और मास नंबर सेम नहीं है। जब वो कहते थे कि मास नंबर क्या है, उसका होल नंबर है, और हम ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है। तो आइसोट्रॉप का जो मास नंबर था वो होल नंबर था, जबकि हमने जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बाद हमने जब देखा तो आइसोट्रॉपिक मास जो है वो होल नंबर नहीं आ रहा था। तो इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, जब हम आइसोट्रॉपिक मास को, यानी आइसोट्रॉपिक मास माइनस मास नंबर करें, मास नंबर को जब हम माइनस करते हैं आइसोट्रॉपिक मास से, और फिर डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या है, ये भी मास नंबर ही है, ये एटॉमिक मास ही है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10^4 से, तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आता है। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू से देखेंगे, किसी भी एटम का हमने देखना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसमें हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसका आइसोटॉपिक मास पुट कर देंगे, उसका मास नंबर पुट कर देंगे, और नीचे भी उसका मास नंबर या एटॉमिक मास पुट कर देंगे, तो हम देखेंगे कि उसकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, फिर उस समय पता चलेगा कि न्यूक्लाइड जो है, जो न्यूक्लियस जो है, या एटम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब रिलेशनशिप देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू। If the value of the packing fraction of nuclei is a negative quantity, then the nuclei would be stable. अगर ये F की जो value है, ये जो पिछले फार्मूले में जो हमने put की है, इसमें अगर negative value आती है तो क्या होगा, nuclei stable होगा। ठीक है, और ये किस कब होगा, जब mass number जो है वो less than होगा, आइसोट्रॉपिक मास जो होगा वो लेस देन होगा मास नंबर से, तभी होगा ना। मास नंबर के साथ नेगेटिव क्वांटिटी है, जब मास नंबर ज़्यादा होगा तभी जो है हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हमारा न्यूक्लियाई क्या है, स्टेबल रहेगा। इसमें एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन की आ जाती है, और आर्गोन, आर्गोन क्या है, हमारे पास नोबल गैस है। ऑक्सीजन हमारे पास 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर न्यूक्लियाइड की लो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर उसकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू यानी पॉजिटिव तो है लेकिन कम है, तब भी न्यूक्लियाइड जो है वो स्टेबल होगा। इसमें कार्बन और हीलियम आता है। लेकिन अगर किसी न्यूक्लियाई की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन बहुत हाई है, तब जो है क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा, और उसकी स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल खुद ब खुद ही जो है वो रेडिएशन अमिट करके और स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। और पॉजिटिव वैल्यू कब गेन होगी हमारे पास, जब आइसोट्रॉपिक मास जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मास नंबर। फिर हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन विद मास नंबर। मास नंबर के साथ पैकिंग फ्रैक्शन का क्या ताल्लुक है, हम इस ग्राफ को देखेंगे। मास नंबर को हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और पैकिंग फ्रैक्शन को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। यहाँ पे हम तीन फिलहाल एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे हम जो जो मास नंबर बढ़ता जाएगा तो आप देखें कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की साइड पर आती जा रही है। ठीक है, तो अगर हम हीलियम को डिस्कस करें, हीलियम की पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन वो लो है। इसी तरह कार्बन की पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन वो भी लो है, और इस तरह ऑक्सीजन की वैल्यू तो है ही नेगेटिव। तो यानी हमने पीछे पढ़ा है कि फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन जिसका नेगेटिव होगा वो स्टेबल होगा। तो हम इसके कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, कार्बन एंड हीलियम हैव लो पॉजिटिव वैल्यूज फॉर देयर पैकिंग फ्रैक्शन एंड हैंस दीज इज स्टेबल। कार्बन और हीलियम दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो है तो पॉजिटिव लेकिन कम है, तो कम होने की वजह से हम कहते हैं कि कार्बन और हीलियम दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं। उसके बाद ऑक्सीजन हैज नेगेटिव वैल्यू फॉर पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इट्स न्यूक्लियस इज स्टेबल। और ऑक्सीजन का तो है ही नेगेटिव, तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें मोलिब्डेनम, प्लैटिनम, सिल्वर, ये तीनों के तीनों जिनका मास नंबर 45 से ज़्यादा हैव लोवेस्ट नेगेटिव स्टेबिलिटीज़। क्योंकि ये देखें आप, ये ऑक्सीजन के बाद
ये मैथ नंबर देखें आप, ये 45 से लेकर तकरीबन 100 तक ये सारी की सारी रेंज जो आ रही है ये नेगेटिव में आ रही है। तो यानी जिन भी एलिमेंट्स का ये तकरीबन इस रेंज में जो आएगा, इस रेंज में अगर कोई भी एलिमेंट उसका मैथ नंबर इस रेंज में है तो उसका क्या है, वो स्टेबल निकल आया है। ठीक, तो ये हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। उसके बाद इंक्रीज इन मैथ नंबर डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटॉप। उसके बाद फर्दर इंक्रीज, अगर हम इस 100 या 160 के बाद या 140 के बाद अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा ग्राफ। तो जिसका मैथ नंबर बढ़ता जाएगा तो इस तरह ये क्या है, ग्राफ इसका बढ़ता जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतने ही हमारे जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होता जाएगा। एलिमेंट्स हैविंग मैथ नंबर मोर देन 230 हैविंग हाई पॉजिटिव वैल्यू दस दे आर हाई अनस्टेबल। वही बात है, जैसे ये देखें अब ग्राफ की लाइन जो है वो पॉजिटिव की साइड पे जा रही है, तो पॉजिटिव की साइड पे जितनी ज़्यादा जाती जाएगी उतना ही हमारा न्यूक्लियाई है जो वो अनस्टेबल होता जाएगा। तो ये हमने अभी फ़िलहाल तीन जो है वो केसेस डिस्कस किए हैं। फर्दर टू केसेस रहते हैं वो हम लेक्चर 3B में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।